हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एस संसारी में। और दोस्तों, आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, चाहे आप यूपी डीएलएड के स्टूडेंट्स हों, बीएड के स्टूडेंट्स हों, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों या फिर अदर किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हों। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता ही होगा, इस समय कोरोना वायरस को देखते हुए संपूर्ण भारत में दिनांक 14 अप्रैल 2020 तक लॉकडाउन है। इसी की वजह से आपके जो एग्ज़ाम हैं वो भी नहीं हो पाए हैं और आगे आने वाली परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रियों के समूह के बीच हुई चर्चा पर मंत्री समूह के द्वारा सरकार को ये सुझाव दिया गया है कि वह सभी शिक्षण संस्थाओं को दिनांक 15 मई 2020 तक बंद रखे, चाहे तो लॉकडाउन की अवधि और आगे बढ़ा दे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि लॉकडाउन हटाने पर जो फैसला है वो 11-12 अप्रैल को लिया जाएगा। फिलहाल क्या है पूरी न्यूज, इस बारे में जानने के लिए आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से संबंधित सभी लेटेस्ट न्यूज़ आपको लगातार पर मिलती रहे। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे शिक्षण संस्थाओं को 15 मई तक बंद करने की सिफारिश। दोस्तों, यदि ऐसा होता है तो काफ़ी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स का यहां पर नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही आपकी जो परीक्षाएं हैं वो भी तय समय पर नहीं हो पाएंगी और इस वजह से आपका जो रिजल्ट भी वो भी तय समय पर नहीं आ पाएगा और नया शैक्षिक सत्र भी लेट हो सकता है। इसके साथ ही आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे मंत्री समूह ने कहा सरकार लॉकडाउन बढ़ाए या ना बढ़ाए हमें इससे कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षण संस्थाओं और धार्मिक गतिविधियों पर अभी रोक लगाना और ज़्यादा जरूरी है। सार्वजनिक स्थलों और मॉल पर खुफिया ड्रोन से रखी जाएगी नज़र। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे कई राज्यों और विशेषज्ञों के लॉकडाउन बढ़ाने के आग्रह के बीच कोविड-19 पर बने मंत्रियों के समूह ने मंगलवार को शिक्षण संस्थाओं और भीड़ जमा होने वाली सभी धार्मिक गतिविधियों को 15 मई तक एहतियातन बंद करने की सिफारिश की गई। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से अभी इस पर कोई भी राय नहीं दी गई है कि ऐसा हो सकता है या नहीं होगा। इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते होंगे मंत्री समूह ने कहा सरकार चाहे 21 दिन का लॉकडाउन और आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, इन गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। जैसे कि यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होने वाले जो भी प्लेसेस हैं, स्थान हैं, इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेजेस को 15 मई तक बंद रखा जाए। मंत्री समूह ने कहा कि भीड़भाड़ वाले धार्मिक सार्वजनिक स्थलों व मॉल पर खुफिया ड्रोन से नज़र रखी जाएगी और फिलहाल सामान्य कामकाज की इजाज़त नहीं मिलेगी। स्कूल कॉलेज गर्मी की छुट्टियों में मध्य मई से बंद हो जाएंगे। चेतावनी की अनदेखी पर तबलीगी जमात में हजारों की भीड़ जुटने पर ये फैसला किया गया है। और चलिए दोस्तों, इसके साथ ही बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे लॉकडाउन पर फैसला, केंद्र से बातचीत के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन खोलने के बारे में फैसला 11-12 अप्रैल को केंद्र सरकार से बातचीत के बाद किया जाएगा। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे वो संपूर्ण यूपी में लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के कारण अचानक परिस्थितियां बदली हैं। और इसके साथ ही दोस्तों, मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर ये जो न्यूज़ प्रकाशित की गई है इसके आधार पर यदि हम देखें और यदि शिक्षण संस्थाओं को और आगे समय तक बंद किया जाए तो ऐसे में आपकी जो परीक्षाएँ हैं वो अप्रैल या फिर मई में होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो जो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर यूपी डीएलएड से बिलोंग करते हैं या फिर रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, वो सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ इसी तरह से बने रहेगा। समय समय पर जो भी न्यूज़ आपके लिए आएगी यहाँ पर आपको लगातार प्रोवाइड की जाएगी। और जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन खोलने संबंध में या फिर आपकी परीक्षाओं के संबंध में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, आपको पूरी तरह से यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।